पवित्र कार्तिक मास शुक्ल चतुर्थी आरंभ होता बिहारी और उत्तर भारतीय महिला मान छठ पर्व तृतीय दिवस अस्तगामी सूर्य को व्रतचारिणी मान द्वारा जलार्घ्य और नैवेद्य अर्पण कर तीर्थ पुष्करणी तट मानक व्रतचारिणी मान पारंपरिक रीति से पूजा अर्चना करने संगे संगे अर्घ्य अर्पण करते भोग डाले फल मूल आदि भोग रखा जा उत्सर्ग कर शुद्धपूत भाव व्रतचारिणी मान परम निष्ठार सह स्वामी और संतान संतति मंगल कामना पूर्वक छठ पूजा करते पर्व अवसर में मुख्यतः सूर्य को उपासना कर द्वापर युगर यह पर्व पालित हो लोक मैंने साधारणतः उदित सूर्य को प्रणाम और पूजा अर्चना करते मात्र छठ पूजा अस्तगामी सूर्य को आराधना कर छठ पर्व पालन अवसर में व्रतचारिणी मान खरणा व्रत रखी गुड़ में प्रस्तुत खीरी रुटी और फल आहार करते व्रतचारिणी मान दीर्घ 36 घंटा धरी पालन करते निर्जला उपवास तृतीय संध्या अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान चतुर्थ दिवस उदीयमान सूर्य को द्वितीय अर्घ्य अर्पण पर निर्जल उपवास परिसमाप्ति घटी था पौराणिक किंवदंती अनुयायी पांडव मान बनवास बेले द्रौपदी छठी मां को प्रार्थना करथिले एहा द्वारा तांकर मनस्कामना पूरण होइथिला ओ पांडव माने पुनर्बार तांकर राज्य फेरी पाइथिले महावीर कर्ण सर्वदा सूर्य को उपासना करी अपरिमित शक्तिर अधिकारी होइपारथिले।